नमस्कार। कोरोना वायरस को देखते हुए कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ ने भी आदेश जारी किए हैं। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भी संभावित हो सकते हैं। ऐसे में जिले में बाहरी स्थानों से यथा विदेशी अन्य राज्य अन्य जिलों से दिनांक 1 मार्च 2020 से जिला हनुमानगढ़ में प्रवेश किया है वे व्यक्ति अपनी समस्त सूचना hanumangarh.net/hanumangarh या jilahanumangarh.in वेब पोर्टल पर अपनी सूचना ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में अपनी यात्राओं के संबंध में जानकारी संबंधित उपखंड अधिकारी के कार्यालय में दी जा चुकी है तो वे व्यक्ति भी अपनी यात्रा संबंधी सूचनाएं उक्त पोर्टल पर दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे। हनुमानगढ़ में ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए मोबाइल के द्वारा भी आप अपनी जानकारी सूचना ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे और URL टाइप करेंगे jilahanumangarh.in। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, jilahanumangarh.in टाइप करने के बाद आपके सामने होम पेज दिखाई देगा और सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना यहाँ देवें। ऐसे में इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये पोर्टल दिखाई देगा। इस पोर्टल में इस फॉर्म को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण, निवास स्थान विवरण और यात्रा विवरण। व्यक्तिगत विवरण में नाम, पिता या पति का नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर। और निवास स्थान में राज्य, जिला, शहरी या ग्रामीण, पहचान स्थल और पता इसमें टाइप करेंगे। यात्रा विवरण में यात्रा का प्रकार, जैसे कि विदेश, अन्य राज्य, अन्य जिला, और वाहन का प्रकार, आपने हवाई जहाज से किया है, रेल के द्वारा, बस के द्वारा या निजी वाहन के द्वारा। देश का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम और जिले में पहुंचने की दिनांक, साथ आए सहयात्रियों की संख्या दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सूचना जिले में सुरक्षित रहेगी और इस प्रकार कोरोना जैसी महामारी को रोकने में सहायता मिलेगी। इसलिए अपनी जानकारी साझा करें, छिपाए नहीं। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। धन्यवाद।